गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं लखनऊ की रत्ना में आपका स्वागत है। तो गाइज आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो गाइज आज ये बहुत दिनों बाद घर का व्लॉग बन रहा है और इस समय है मॉर्निंग टाइम और बच्चे गए हुए हैं स्कूल और मैं कर रही हूँ घर की साफ सफाई, आप लोग देख सकते हैं। बज रहा है शाम का 7:30, तो मैं गई थी टहलने और मैं अभी टहल के आई हूँ, बहुत थक गई हूँ। तो बिट्टू ने बनाई है मेरे लिए यूपी, मैं आपको दिखाती हूँ। बिट्टू दीदी ने बनाई हो गाइस, पता है मुझे ना ऐसे पानी वाली यूपी बहुत पसंद है। हाँ ऐसे जिसमें पानी होता है ना, सूप। और इधर बैठी बिट्टू दीदी, इन्होंने ही बनाई है आज यूपी। और आते से ही अच्छा ना बैट बॉल खेलने चले जाते हैं लड़कों को, पता नहीं क्या, जब तक तो बैट बॉल नहीं खेलते उनको चैन नहीं पड़ता है। तो अच्छा था नीचे, तो चलिए खा लेते हैं अपनी यूपी। बज रहा घड़ी में 9:30 और देखा जब आ गई ठंड, तो मैंने विंटर के ना 2-3 सूट खरीद लिए हैं, आप लोग भी खरीद लीजिए गाइस, इनमें ठंड नहीं लगती है बिल्कुल भी। और मैं आपको दिखाऊँ अभी मेरा, मैं बना रही हूँ घी और अच्छत ने छील के रखी है मटर, तो बनेगा पनीर। देखिए यहाँ पीसा जा रहा है मसाला है। छलनी क्या करोगे, मटर धो गया, धो लेंगे। नहीं तो बताओ हमको दो। हाँ यही है, यही है इसी में। देखिए गाइस इन्होंने मटर छील के रखी है। करवा चौथ वाली कहाँ गई? वो अंदर रखी, पागल उसे मटर छीलेगा, पागल कहीं का। तो यहाँ गाइस बन रहा है घी और इधर मसाला भी पीस रहे हैं। इधर अच्छत ने मटर छील दी है, काफी ढंग से धो लो। पता है इस वाली बड़ी वाली छन्नी में धो, कौन सी जो वो रखी हुई है बड़ी वाली जो है? हाँ। ये तुमको बड़ी छन्नी नहीं दिख रही? ये वो उसके बगल वाली ये। हाँ नहीं। तो चलिए गाइस अभी बना लेते अपना पनीर। और गाइस बहुत दिन से घी इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया था और आप लोग जानते हैं मुझे घी बनाने में बहुत गुस्सा आती है, इसलिए 2 महीने से मैंने घी इकट्ठा कर लिया था। तो वही अब मैं बना रही हूँ घी। हाँ और अच्छा ने भी थोड़ी हेल्प करवा दी, मटर वटर छील दी। तो चलिए बना लेते हैं, पानी वेस्ट करते हैं। चलो तो यहाँ गाइस मैं पीस रही थी मसाला, उधर मेरा घी भी चढ़ा हुआ था। और गाइस वैसे ये सब घी वी के काम ना मैं रात में ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ना फिर बहुत, मुझे क्या बहुत बदबू आती है, वो घी भी बनता है ना तो फिर बदबू आती है। तो मुझे लगता है रात में बनाऊँ तो रात भर में वो बदबू सब उड़ जाती है घर से बाहर, और ऐसे दिन में बनाऊँ तो पूरा दिन फिर घर में बदबू आती है। गाइस अभी वर्तिका त्रिपाठी ने बनाया है अपना नया शॉर्ट्स वीडियो, तो अभी आप लोग वर्तिका त्रिपाठी चैनल पे जाके गाइस जरूर देखिएगा और आपको बहुत मजा आएगा, आप काफी एंटरटेनमेंट होंगे। काहे बम से उड़ा दोगे, ये मेकअप धो लो जाके स्कूल मुझे भी देखो, क्रूर सिंह जैसी आई हूँ। तो गाइस आप वर्तिका त्रिपाठी के मुंह पे मेकअप देख रहे हैं, ये लोग बना रहे थे वीडियो और बहुत ही जल्द इनके चैनल पे वीडियो आने वाला है, तो आप लोग देखिएगा और अपना प्यार जरूर दीजिएगा। क्यों अच्छा है? स्कूल से क्या कुछ मिलेगा? क्या होमवर्क मिला था स्कूल से? यहाँ पे गाइस अच्छा लेके आए अपनी डायरी। हो गाइस ये थोड़ा सा बदमाश है, ये क्या करता है साइन नहीं करवाता है, मुझे दिखाता नहीं है, तो वही जबरदस्ती मैं इसके पीछे पढ़ पढ़ के मैं इससे कहती हूँ डायरी लेके आओ, दिखाओ आकर के साइन करवाओ। तो वही देखो अब जब मैं खाना बना रही हूँ तो इस टाइम ये डायरी लेके आया, पता है ये क्यों लेके आया? ताकि मम्मी ढंग से देखेंगी नहीं और फिर मुझे पढ़ने के लिए कहेंगी नहीं, क्योंकि इतनी देर मैं काम कर रही हूँ और जब मैं खाली रहती हूँ तब ये नहीं, जबरदस्ती गाइस मुझे इसकी डायरी देखनी पड़ती है, तब जाकर के मुझे डायरी दिखाता है, तब मैं इसका काम करवाती हूँ पूरा। तो भाई यहाँ मैं बना रही थी खाना, तो ये आफत किए था कि पहले साइन कर दो,
जल्दी से, जिसमें कि ज़्यादा पड़ेंगी नहीं तो ज़्यादा कोई बवाल नहीं होगा। तो ये देखिए पेन वेन लेके आया, मुझसे करवा रहा है साइन, फटाफट से मम्मी कर दे तो किसी तरीके से काम निपट जाए। और गाइस मैं लाइव जाने के लिए बहुत सोचती हूँ मगर मैं लाइव जा नहीं पाती हूँ गाइस, क्योंकि शाम को खाने का टाइम होता है, फिर बच्चों को पढ़ाने का टाइम होता है, दिन में इतने काम होते हैं गाइस, जबकि मेरा लाइव जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं लाइव जा ही नहीं पाती हूँ। और किसी तरीके से मुझे भी अपना बहुत लाइव जाके काम निपटाना है, आप लोग जानते ही हैं। यहाँ गाइस बन रहा है मेरा पनीर, बन रहा है घी। अच्छा उधर पढ़ रहे हैं, बिट्टू उधर कर रही है एडिटिंग। आज ना कंप्यूटर का पीरियड था, है ना, लैब थी आज, है ना, तो हम लोग को लैब लेके गए थे ना, तो मैम ने लोग को बताया था कि तुम लोग को ऐसे से ऐसे को ऐसा करना है, है ना, उसमें मतलब खूब सारी प्रोग्रामिंग करनी थी, है ना, तो मतलब हम लोग सबसे पहले तो स्क्रैच में दिया था, है ना, उसमें काफी सारी चीजें लिखनी थी उसको, उसमें सारे फॉर्मूलास लिखने थे, है ना, तो ये सब करके सबसे पहले मेरा हुआ। मैम ने कहा गुड, यू आर फर्स्ट, सबसे फास्ट आया मैं, फास्ट। बहुत अच्छा, मैम बहुत अच्छा बच्चा हो गया, सबसे पहले मैंने किया। अगर ना विश्वास हो तो मेरे दोस्त से पूछ लेना। अरे तुम तो हो ही इंटेलिजेंट। आप लोग देख सकते हैं पनीर मेरा बनके हो गया है तैयार, ये देखिए। और यहाँ रखा है मेरा आटा, तो चलिए बना लेते हैं खाना। और यहाँ अच्छा का चल रहा है बैट बॉल, और अगर एक भी बॉल शीशे में लग गई तो समझ लेना बैट। इधर बैठी बिट्टू दीदी, एक चीज दिखाओ नहीं आ रहा, तो बता दे गाइस हम लोग के कमोड में पानी नहीं आ रहा है ना, बताने वाली बात है, पीछे धोने के लिए पानी नहीं है, पागल कहीं का। गाइस हमने प्लम्बर को बुलाया था लेकिन वो आया ही नहीं। अब अगर भैया आप ये व्लॉग देख रहे हो तो क्यों नहीं आया आप, कहा था ना प्लम्बर तो जरूर तुम्हारा व्लॉग देखता है। हाँ, आपको पैसा देने के लिए रेडी, पानी आ रहा है, धीरे आ रहा है, प्रेशर कम आ रहा है उसमें, मतलब हो सकता है उसमें बालू वालू अटकी हो, है ना मम्मी। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, और यहाँ अच्छत की हमारी बकवास तो चलती ही रहेगी, ये इसी तरीके की बकवास बातें करता रहता है। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय।